Welcome to all of my dear friends. Today we will study I am going to dance again. दोस्तों, इस चैप्टर का बहुत ही अधिक डिमांड था. हमारे बहुत से व्यूअर्स इस चैप्टर के लिए बार बार कमेंट कर रहे थे. चलिए, हम नाइन्थ क्लास का जो सेकेंड बुक है उसको भी आज शुरू कर रहे हैं. उसका पहला चैप्टर है आई एम गोइंग टू डांस अगेन. नजमुल हसन इसके रचनाकार हैं. दोस्तों, ये बहुत ही प्रेरणादायी एक चैप्टर है हम लोगों के लिए. इसे और से ही अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए, न केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि अपने पर्सनल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखना चाहिए. चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को. लाइफ इज नॉट अ स्मूथ जर्नी. जो जीवन है वह कोई सुगम यात्रा नहीं है. टर्बुलेंस, इसमें बहुत से समस्याएं हैं. अप्स एंड डाउन्स, उतार और चढ़ाव हैं. एट ऑर्डर ऑफ द डे, यही हमारे जीवन की और दिन की यही सब वस्तुएं हैं हमारे जीवन में जो पाए जाते हैं. द विनर इन द गेम ऑफ लाइफ इज वन हु ओवरकम्स एडवर्सिटीज एंड इज अनडेटेड बाई एनी चैलेंजेज. इस जीवन के खेल में द विनर इन द गेम ऑफ लाइफ इस जीवन के खेल में लाइफ जीवन के ऑफ मिस के खेल में वही विजेता है. वन हु ओवरकम्स एडवर्सिटीज, जो अपने विपत्तियों पे, जो अपने कठिनाइयों के पे काबू कर पाता है, ओवरकम्स उस पर नियंत्रण कर पाता है. एंड आवर इज अनडेटेड बाई एनी चैलेंजेज, और किसी भी चुनौती से, किसी भी संघर्ष से, किसी भी समस्या से विचलित नहीं होता है, अविचलित रहता है. वही इस जीवन के खेल में विजेता है. ये बहुत ही अच्छा लाइन है हमारे लिए. जस्ट एज द क्रॉसिंग ऑफ अ रोज, जिस प्रकार से किसी गुलाब के फूल को निचोड़ने से, दबाने से ब्रिंग्स आउट इट्स स्वीट फ्रेग्रेंस, उसके मधुर सुगंध जो उसके निकलते हैं, फ्रेग्रेंस जो उसके मधुर सुगंध निकलते हैं, खुशबू, सुगंध नहीं, जो उसकी खुशबू निकलती है, सो उसी प्रकार द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ रिलीज द स्वीटनेस विद इन अस. उसी प्रकार जो ये समस्याएं हैं जीवन की, वो हमारे अंदर माधुर्य को जन्म देते हैं, अर्थात हमें उस योग्य बनाते हैं, इस जीवन में, इस लाइफ में अपने आप को स्थापित करने योग्य बनाते हैं. समस्याएं हमें सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. मैनी अ टाइम, बहुत सी बार एडवर्सिटीज सैटर आवर ड्रीम. जो हमारी विपत्तियां हैं, समस्याएं हैं, विपत्ति हैं, वो हमारे ड्रीम को, सपने को ओवर शैडो कर देती है, चकनाचूर कर देती है, बर्बाद कर देती है. लेकिन जो व्यक्ति जीवन में विनर होता है, विजेता होता है, वह अपने इन समस्याओं पे काबू कर पाता है और जीवन में आने वाली चुनौतियों से कभी हबड़ाता नहीं है, विचलित नहीं होता है, अविचलित होता है, और वही सफल होता है. इट इज़ ओनली अ पर्सन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग विल, केवल वही व्यक्ति जो मजबूत इच्छा शक्ति वाला हो, हु डिस्पाइट हिज वीकनेस एंड शॉर्टकमिंग्स अपने खामियों, वीकनेस अपने कमजोरियों के बावजूद, राइजेज अबव द सॉरो ऑफ लाइफ, अपने जीवन के दुखों से, उदासीनता से बाहर निकलता है, और टू फाइंड मोर मीनिंग टू हिज लाइफ, और अपने जीवन के और अर्थ को ढूंढने का प्रयास करता है, और अपने जीवन को अर्थयुक्त बनाने का प्रयास करता है. हियर इज अ स्टोरी ऑफ वन सच डांसर, यहाँ वैसे ही एक नर्तकी की कहानी है. Who met in an accident, but through sheer dedication, devotion and commitment to her dance, she could make it back to the stage again. यहाँ हम वैसे ही एक नर्तकी, एक डांसर की कहानी है यह, जो आई एम गोइंग टू डांस अगेन, जो अपने जीवन में बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना कर पाई है
और फिर भी अपने आप को सक्षम बना पाती है जो करना चाहती है। होता क्या उसके लाइफ में, सी मेट विथ एन एक्सीडेंट, वह एक दुर्घटना में, एक उसके जीवन में एक दुर्घटना घटित होता है, बट थ्रू सीर डेडिकेशन, लेकिन मात्र अपने समर्पण और भक्ति और कमिटमेंट प्रतिबद्धता से, टू हर डांस सी कुड मेक इट बैक टू द स्टेज अगेन। फिर से पुनः वह क्या करती है, अपने जीवन में फिर से जाती है स्टेज पे, खुद से दोबारा नाच पाती है केवल अपने प्रतिबद्धता समर्पण भक्ति से। होता क्या है, जो यह महिला है उसका एक एक्सीडेंट होता है और उसमें उसके पैर टूट जाते हैं, और वो पैर ही नहीं टूटते हैं, उसके बहुत से शरीर के हड्डी फ्रैक्चर्ड हो जाते हैं। डॉक्टर या कोई भी यह नहीं समझ पाते हैं कि फिर से वह नाच पाएगी, लेकिन आगे उसके जीवन में परिवर्तन होता है केवल उसके डेडिकेशन और डिवोशन के कारण। इवन दैट डॉक्टर्स बिलीव्ड सोनल वुड नेवर डांस, यह जो कहानी है वो है सोनल मान सिंह की। यहाँ तक कि जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे वो भी समझते थे, विश्वास करते थे कि सोनल अब दोबारा नहीं नाच पाएगी। शी हैड मेट विथ अ सीरियस एक्सीडेंट एंड हैड लॉस्ट हर लेग्स, वह एक गंभीर दुर्घटना में उसका जो पैर है वो टूट गया है, खो दी है। बट सोनल मानसिंह रिफ्यूज टू बिलीव द डॉक्टर्स, लेकिन जो सोनल मानसिंह थी वो इस डॉक्टरों के विश्वास को मानने से इनकार कर दी। शी बिलीव्ड इन हर पोटेंशियलिटीज एंड लाइफ्स, वह अपने क्षमता पे विश्वास की और अपने लाइफ को बड़ी ही अच्छे ढंग से मॉडरेट की। तो दोस्तों, आई एम गोइंग टू डांस अगेन, इसके जो रचनाकार है नजमुल हसन, और इसमें जो हम लोग कहानी पढ़ेंगे वो बहुत ही प्रेरणादायी है, वह है सोनल मानसिंह की, जो एक डांसर होती है, नर्तकी होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को, आई एम गोइंग टू डांस अगेन, मैं फिर से पुनः नाचने जा रही हूँ। अप्रैल 20, 1975, बॉम्बेज रंग भवन वाज फूल, द ऑडियंस वेटिंग impassionately। यह बात 20 अप्रैल 1975 की है, जब बॉम्बे का रंग भवन फूल था, फूल दर्शकों से फूल था, और जो ऑडियंस थे, दर्शक थे, वह अधीरता से इंतजार कर रहे थे इन द ग्रीन रूम। और ये ग्रीन रूम, जैसे कोई भी स्टेज प्रोग्राम होता है तो उसमें पात्रों के रहने के लिए एक राउटी गिराया जाता है, या एक भवन, छोटा सा रूम होता है, उसी का नाम है इन द ग्रीन रूम। सोनल मानसिंह एनक्सियसली लुक्ड इनटू द मिरर, जो सोनल मानसिंह थी वह उत्सुकता से अपने शीशे में खुद के चेहरा को देखती है, एंड सा अ बिट्स ऑफ परस्पायरेशन शाइनिंग ऑन हर फेस, और वह पाती है कि उसके चेहरे पे, ऑन फेस, याद देखिएगा, बॉडी का कोई भी हिस्सा दिखाना हो तो ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ऑन हर फेस शाइनिंग परस्परेशन शाइनिंग ऑफ बीड्स, तो पसीने के बूंद उसके चेहरे पर चमक रहे थे। हर हैंड्स एंड फीट वेयर कोल्ड, और उसके जो हाथ और पैर थे वो ठंडे पड़ गए थे। She had felt like this once before on her maiden performance in Bangalore. वह वैसा ही महसूस की थी, कर रही थी, जैसे उसने अपने पहले प्रदर्शन में, मेडन प्रथम, पहला जब प्रदर्शन की थी बेंगलुरु में, तो जो उसके मन में भावनाएं वह महसूस की थी, वह वैसा ही महसूस कर रही थी। दोस्तों, ज़िंदगी में हम जब कोई भी कार्य की पहली बार शुरुआत करते हैं, चाहे वो किसी का भी लाइफ हो, उसे ज़रूर ही चिंता होता है, हड़बड़ाहट होता है, वो सोचता है कि क्या होने वाला है। वही भावना सोनल मानसिंह के ज़िंदगी में फिर से आता है, क्योंकि वह जो
यह भाषण देने जा रही है 20 अप्रैल 1975 को, वह बहुत अरसों की बाद की भाषण थी और प्रथम स्पीच, और इस बीच में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, उसी दुर्घटना का इसमें वर्णन है। बट डैट वॉज 14 ईयर्स एगो, लेकिन वह 20 वर्ष पहले की बात है जब वह अपना 14 ईयर्स एगो, वह 14 वर्ष पहले की बात है जब उसने सबसे पहला अपना प्रदर्शन किया था स्टेज पे। देन सी हैड डांस इन इंडिया, तब वह भारत में नाची, एंड एब्रोड विदेशों में भी नाची। सी हैड बीन अप्रेज्ड बाई एवरी वन, प्रेज्ड बाई एवरी वन, और वह हर किसी के द्वारा सराही गई। टुडे हाउ इवर, आज एचपी सोनल वाज मेकिंग अ न्यू स्टार्ट, यद्यपि आज तो सोनल एक नई शुरुआत कर रही थी। दिस वाज द फर्स्ट टाइम सी वुड डांस इन पब्लिक आफ्टर अ कार एक्सीडेंट इन विच सी हैड बीन सीरियसली इंजर्ड जस्ट 8 months earlier। 8 महीने पहले की बात है, कितने महीने पहले की बात है, 8 महीने पहले की बात है जब वुड डांस इन पब्लिक, 8 महीने पहले की बात है जब वह सीरियसली इंजर्ड, गंभीर रूप से एक कार दुर्घटना में उसको गंभीर रूप से घायल हो गई थी एक कार दुर्घटना में। उसके बाद फर्स्ट टाइम वह सी वुड डांस इन पब्लिक आफ्टर अ पब्लिक आफ्टर अ कार एक्सीडेंट, फर्स्ट टाइम एक पब्लिक सेरेमोनी में वह नाच रही थी। 8 मंथ पहले उसकी एक कार एक्सीडेंट होती है, एक दुर्घटना होती है उसके जीवन में, और वह सीरियसली इंजर्ड और वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। उसके बाद वह पहली बार पब्लिक प्लेस पे नाचने वाली है, इसलिए उसके जीवन का यह एक न्यू स्टार्ट है। हैड हर स्ट्रगल टू डांस, क्या उसके नाचने के लिए जो संघर्ष थे अगेन बीन वर्थ इट, इसके योग्य हो चुके थे। सी पुल्ड हर सेल्फ टुगेदर का यहाँ पे हिंदी होगा कि उसने अपने भावनाओं पे काबू पाई एंड विथ क्विक जिंगलिंग, और घुंघरुओं की छनकाहट की आवाज के साथ दोस्तों, अभी तक आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप और से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट भी ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मैं 9th और 10th के किसी चैप्टर पे वीडियो बनाऊं तो आप उसके लिए भी कमेंट कीजिए, मैं और से ही उस पर वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्टेप्स घुंघरुओं की छनकाहट से आवाज़ के साथ, स्टेप्स वाज ऑन द स्टेज, वह स्टेज पे आती है, द स्पॉट लाइट्स वेयर ऑन हर, और जो मुख्य लाइट थी, जो लोगों की निगाहें थी अर्थात जो प्रकाश बिंदु था वह उसी पे था। सी बाउड, वह झुकी, एंड हैंड्स फोल्डेड, और हाथों को जोड़ी, एंड बिगेन हर परफॉर्मेंस, और अपने प्रदर्शन को शुरू कर दी। अर्थात वो स्टेज पे जाती है, लोगों को प्रणाम करती है, हाथों को जोड़ती है और अपने प्रदर्शन को शुरू कर देती है। पहले जो स्लाइड में हम लोग देखे उसके 2-3 पॉइंट्स जो थोड़ा सा रिकॉल कर लिया जाए, वह सबसे पहला अपना परफॉर्मेंस बेंगलुरु में दी थी, और उसके 8 मंथ पहले, और 8 मंथ पहले उसको एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद दोबारा वह अपने जीवन की रीस्टार्ट कर रही है डांसिंग के क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अगस्त 1974 सोनल मानसिंह फेल्ट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड,
1974 अगस्त महीने में सोनल मानसिंह का जो जीवन था वो काफ़ी ही अच्छा था। वह अपने आप को संसार के चोटी पे पाती थी डांसिंग के क्षेत्र में। ट्रेंड एट फर्स्ट इन भारत नाट्यम, सबसे पहले वह भारत नाट्यम में प्रशिक्षित हुई थी। सी हैड मास्टर्ड कॉल्ट स्टाइल, वह भारत नाट्यम के जो कॉल्ट स्टाइल कठिन कठिन जो शैली थी अर्थात जो बड़ी मुश्किल शैली थी उसका भी वह मास्टर्ड हो गई थी, उसमें भी वह निपुणता प्राप्त कर ली थी। एंड देन हैड टर्न टू ओडेसी, और तब वह ओडेसी सीख रही थी, ओडेसी में ट्रेंड हो रही थी अर्थात ओडेसी भी जो है ओडिसी भी एक प्रकार का नृत्य है। नाउ सी वाज अमंग द कंट्रीज बेस्ट क्लासिकल डांसर्स, और वह 1974 के दिनों में भारत के जो महान सबसे अच्छे शास्त्रीय जो डांसर थे क्लासिकल डांसर थे उन लोगों के बीच अपने नामों को शुमार कर ली थी, अपने नाम को अंकित कर चुकी थी। सी वाज इन जर्मनी डैट मंथ, उस मंथ वह जर्मनी में थी टीचिंग अ कोर्स इन इंडियन क्लासिकल डांस, जहाँ पे वह भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ा रही थी। लेट ऑन द इवनिंग ऑफ द 24th और 24 तारीख के शाम में सी एंड हर फिनांस, वह और उसके फिनांस मिस क्या होगा मंगेतर, जॉर्ज लेकनर वेयर ड्राइविंग एट 130 किलोमीटर डाउन अ वेट लॉन्गली रोड, वह और उसकी मंगेतर जॉर्ज लेकनर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक वेट मिस भींगा हुआ होता है तो आद्र अकेले सड़क पे ड्राइविंग कर रहे थे। दे सडनली सा अ डियर स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड, तभी अचानक रोड के बीचों बीच सड़क के बीचों बीच एक हिरन को खड़े देखते हैं। देखे लेकनर जैम्ड ऑन द ब्रेक्स, लेकनर ने तेजी से ब्रेक को दबाया, ब्रेक को जैम्ड मिस होता है फंसा देना, कस के ब्रेक को दबाया, जिससे हुआ क्या द कार स्लिप्ड साइडवेज। कार जो थी वो क्या होती है किनारे सड़क के किनारे फिसल जाती है। सुंग अराउंड अवर स्लिप्ड साइडवेज, किनारे की तरफ फिसल जाती है, स्विंग अराउंड, फिर गाड़ी घूम जाती है। देन टर्न्ड ओवर एंड रेस्टेड ऑन इट्स रूफ, और तब गाड़ी टर्न्ड ओवर पलट जाती है एंड रेस्टेड ऑन इट्स रूफ, और उल्टा होकर अपने छत के हिस्से की तरफ वह हो जाती है। अर्थात जैसे हम बहुत गाड़ी जब तीव्र गति से दोस्तों हाँकते हैं और जब हम ब्रेक को दबाते हैं तो यदि हमारी कंट्रोल नहीं होती है गाड़ी पे तो वह एक तरफ फिसल जाती है, पलट जाती है और दुर्घटना हो जाती है। इनके भी जीवन में वही होता है, और होता क्या है लेकनर ट्रैप्ड बिटवीन द सीट एंड द व्हील फेंटेड। जो लेकनर था, जो सोनल मानसिंह का जो फियांस था मंगेतर था, वह सीट जो बैठने का स्थान होता है और व्हील जो गाड़ी जो हंडिल होता है उसके चक्के के बीच फंस जाता है और फेंट मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे या आपके किसी न किसी रूप से आपकी मदद कर रहा हो तो आप इस वीडियो को और से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी सब्सक्राइब कराइए। सोनल आर यू ऑल राइट, ही मम्बल्ड एज ही रीगेन्ड कॉन्शियसनेस। रीगेन्ड पुनः प्राप्त करना, सोनल ही अर्थात लेकनर जैसे ही रीगेन्ड हिज कॉन्शियसनेस चेतना को प्राप्त करता है तो वह बुदबुदाया सोनल आर यू ऑल राइट, सोनल क्या तुम ठीक हो, तुम सकुशल हो।
देयर वॉज नो आंसर, लेकिन जवाब कोई नहीं था. ही ग्रोप्ड अबाउट इन द डार्कनेस, और वो अंधेरेपन में अपने आसपास उसको ढूंढा. देयर वॉज नो बिसाइड हिम, और उसके बगल में कोई भी नहीं था. एज ही स्ट्रगल टू फ्री हिमसेल्फ, जैसे ही वह कोशिश कर रहा था खुद को उस पहिए व्हील और सीट के बीच से निकालने का, अ कार पुल्ड अप, एक गाड़ी आकर वहाँ पे रुकी. पुल्ड अप मिस रुकना. एंड फोर मैन जंप्ड आउट, और चार लोग उसमें से कूदकर निकले. दे फोर्स्ड ओपन अ डोर ऑफ द कार एंड ड्रैग्ड लेकनर आउट. वेयर इज सोनल, ही आस्क्ड. तो वे लोग फोर्स्ड ओपन, वे लोग बलबस्ती ढाकर दबाकर गाड़ी के दरवाजे को खोले. एंड ड्रैग्ड लेकनर आउट, और ड्रैग मिस होता है खींचना, और लेकनर को बाहर खींच कर निकाले. वेयर इज सोनल, ही आस्क्ड. तब वो पूछते हैं कि सोनल कहाँ है. फेचिंग टॉर्चेज फ्रॉम देयर कार, तो वे चारों लोग अपने गाड़ी से टॉर्च लाते हैं. टॉर्च सभी लोग लाते हैं, फेच में सोता है जाकर लाना. टॉर्च लाते हैं. द मेन बिगेन सर्चिंग फॉर सोनल. दे फाउंड हर अबाउट 4 meters अवे. टॉर्च लाने के बाद वे सभी लोग सोनल को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वह 4 meters की दूरी पर वे लोग उसको पाते हैं. ऑन द रोड, सड़क पर. शी वॉज स्टिल, वह स्थिर थी. आइज क्लोज्ड, उसकी आंखें बंद थी. एज इफ एस्लीप, जैसे मानो सोई हुई हो. लेकिन और वाज अबाउट टू पिक हर अप एंड से. सोनल लेकनर अब कहने ही वाला था कि उसे उठा कर लाओ. लेट्स गेट गोइंग, कहने के लिए. बट ही हेजिटेट, लेकिन वह हिचकिचाया. सी डजंट लुक क्वाइट अलाइव, सी सेड टू हिमसेल्फ. द लेकनर ने खुद से कहा. सी ही सेड टू हिमसेल्फ, कि वह जिंदा प्रतीत नहीं होती है. देन स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन सोनल्स फेस, तब सोनल के चेहरे पे पानी का छींटा मारा गया. सी शुक्ड हर हेड, तब उसने अपने सिर को हिलाई. आई एम कोल्ड, मुझे ठंडा लग रहा है. आई एम कोल्डिंग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ठंडा लगता है, कोल्ड में आई जी नहीं लगाएंगे यहाँ पे. ये बहुत बड़ा परसेप्शन का पॉइंट है. आई एम कोल्ड, मुझे ठंडा लग रही है. सी ग्राउंड, वह कराहते हुए बोलती है. प्लीज पुट अ शॉल ऑन मी, कृपया मेरे ऊपर एक शॉल डाल दो. सेइंग दिस सी फैंटेड, यह कहते हुए फिर से वह मूर्छित हो जाती है, फिर से बेहोश हो जाती है. एट दैट मोमेंट, उस पल उसी क्षण, अ पुलिस कार अराइव्ड, एक पुलिस की गाड़ी वहाँ पे पहुँची. एंड सून अन एम्बुलेंस वाज कॉल्ड, और जल्दी ही शीघ्र ही एक एम्बुलेंस को बुलाया गया. द एम्बुलेंस मैन लिफ्टेड सोनल केयरफुली ऑन द स्ट्रेचर, और एम्बुलेंस में जो लोग आए थे वे बड़ी ही सावधानी से सोनल को स्ट्रेचर पे उठाए. एंड रश्ड हर टू द म्युनिसिपल हॉस्पिटल, और जल्दी से उसको म्युनिसिपल हॉस्पिटल ले गए. इन द इमरजेंसी रूम, इमरजेंसी कमरे में. शी वाज गिवन इंजेक्शन टू ईज द पेन, उसे सुई दिया गया, इंजेक्शन दिया गया दर्द को ईज करने के लिए, कम करने के लिए. एंड देन हरीड टू द एक्सरे रूम, तब उसको तेजी से एक्सरे रूम में ले गया गया. द एक्सरे शोड दैट सोनल हैड बीन बैडली इंजर्ड, एक्सरे ने यह दिखाया कि सोनल बुरी तरह से इंजर्ड हो गई है, उसे चोट लग गया है. एंड हैड मैनी ब्रोकन बोन्स, और उसके बहुत से हड्डियाँ टूट गए हैं. हर 12th vertebra, उसके 12 vertebra, दोस्तों ये जो वर्टेब्रा है वह पीछे की रीढ़ की हड्डी में जो घुमावदार हड्डियाँ होती है उसे कहते हैं वर्टेब्रा. उसके 12 vertebra टूट गए हैं. 4 ribs, 4 पसली. एंड अ कॉलर बोन, और हसली के भी हड्डी टूट गए हैं.
वे फ्रैक्चर्ड हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। लकली सौभाग्य से हर स्पाइनल कोड हैड नॉट बीन डैमेज्ड इन द क्रस्ट। सौभाग्य से उसका जो स्पाइनल कोड होता है दोस्तों, जो हमारा हेड होता है उसके पीछे वाले भाग में एक हड्डी होता है जिसका नाम होता है स्पाइनल कोड, यदि उसमें चोट लग जाए तो दुनिया, यदि वह डैमेज हो जाए तो वह बड़ी ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है किसी भी इंसान के लिए दोस्तों। इसीलिए यदि आप एक अपने परिवार के प्रति सजग हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ड्राइव करें तो विदाउट हेमलेट ड्राइव नहीं करें, क्योंकि हम ये नहीं बता सकते हैं कि किसके जीवन में क्या हो सकता है, लेकिन इतना जानिए कि जो स्पाइनल कोड यहाँ पे दिया है उस पर थोड़ा सा भी चोट आने के बाद हम अपनी दुनिया से जा सकते हैं, डैमेज इन क्रैश। लेकिन सौभाग्य से जो सोनल मानसिंह थी उसका स्पाइनल कोड में कोई चोट नहीं आया था। सी हैड बेटर बी टेकन टू द यूनिवर्सिटी सर्जिकल क्लिनिकल इरलाइजन द डॉक्टर एडवाइज लेकनर। डॉक्टरों ने वहाँ पे लेकनर को सलाह दिया कि इसको अच्छा रहेगा कि यूनिवर्सिटी सर्जिकल क्लिनिक एट इरलाइजन में ले जाया जाए, दे हैव बेटर फैसिलिटीज, वहाँ पे इससे भी अच्छे सुविधाएं मिलेंगी इसके लिए। दोस्तों आज इस वीडियो का एक ही पार्ट हम अपलोड करते हैं, बाकी के जो पैराग्राफ हैं हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।